3 अगस्त को है हरतालिका तीज। शुभ मुहूर्त पर इस विधि से करें पूजा। हरतालिका तीज भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कन्याओं को विवाह योग्य मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार हर स्त्री के लिए ये व्रत विशेष लाभकारी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का क्या है महत्व और विधि। हरतालिका तीज को हरतालिका तीज भी कहा जाता है, चूँकि इसका संबंध शिव से है। हरित शब्द का एक अर्थ अपहरण करना भी होता है, और चूँकि माँ पार्वती का अपहरण करके उनको एक कंदरा तक ले जाया गया था, इसकी वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। इस दिन हस्तगौरी नामक व्रत को करने का भी विधान बताया जाता है, जिसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। इस बार हरतालिका तीज 12 सितंबर को मनाई जाएगी। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने वर्षों तक जंगल में घोर तपस्या की थी। माँ पार्वती के बिना जल और बिना आहार के तप करने के बाद उन्हें भगवान शिव ने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। यही वजह है कि हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निष्ठा और तपस्या को विशेष महत्व देती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस व्रत को रखने की उत्तम विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त, जिसकी मदद से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त 3 अगस्त 2019 को हरियाली तीज का। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:36 बजे से शुरू होकर रात 8:05 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत की विधि। प्रातः काल व्रत का संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। दैश सायंकाल भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। उस समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। दैश माँ पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करके उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दैश विवाहित स्त्रियों को अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दैश भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारायण करें। दैश इस दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ होता है। हरतालिका तीज के दिन किन मंत्रों का जाप करें? दैश इस दिन विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 मालाओं का जाप करें। दैश मंत्र होगा हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वा शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभां। दैश इस मंत्र के जाप से मन चाहे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दैश मंत्र का जाप संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें। इस दिन मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। दैश इस दिन शाम के समय मंत्र जाप करना सर्वोत्तम होता है।